सभी का स्वागत है। यूपी का रण चौथे चरण में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर बता रहे राजेश्वर सिंह पहुंचे मां चंद्रिका देवी मंदिर। मतगणना से पहले मां चंद्रिका देवी के दर्शन किए। सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह। आम जनता से की बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील। तो लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह मां चंद्रिका देवी मंदिर के पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी राजेश्वर सिंह की शुरुआत आज सुबह मां चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन करके हुई है। सबसे पहले वो मां चंद्रिका देवी के दर्शन करने पहुंचे। यहां पे उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और उसके बाद सीधे यहां से वो क्षेत्र में निकल चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले भगवान के दर्शन करने के साथ साथ ये भी संकेत दे दिए कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो अब बीजेपी की बनने वाली है। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि प्रदेश में 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो बहुमत से एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सरोजनी नगर सीट की बात करें तो सरोजनी नगर सीट जो है वो 1,00,000 वोटों से बीजेपी जीत रही है। भरत सेठी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। देखिए, हर तरह का विकास होना चाहिए। बिजली, पानी, सब जो जनता की समस्याएं हैं उनका निराकरण होना चाहिए। युवाओं के लिए मेरे मन में विशेष है, मेरी प्राथमिकता है। युवाओं का कौशल विकास करना है, उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, उनको संसाधन उपलब्ध कराने हैं और उनको आगे बढ़ाना है। तो राजेश्वर सिंह को सुन रहे थे आप, किस तरह से कह रहे थे कि युवाओं को रोजगार देना, उनका विकास करना उनकी प्राथमिकता होगी। मां चंद्रिका देवी के मंदिर पहुंचे हैं वोटिंग से पहले। तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पल की अपडेट्स और खबर लेते हैं जिस तरह से जिलों में क्या कुछ तस्वीर बनी हुई है और क्या कुछ माहौल बना हुआ है। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मतदान स्थलों से ये तस्वीरें सामने आ रही है। लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है अपनी बारी का इंतजार करते हुए। लोकतंत्र के महापर्व को आज देश मना रहा है। यूपी विधानसभा के चौथे चरण का आगाज हो चुका है और इस तरह से मतदान स्थलों से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। एक घंटा बीत चुका है वोटिंग शुरू होने में और लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए कि कब वो अंदर जाएंगे और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देकर विजयी बनाएंगे। इस तरह से जनता में पूरा उत्साह जोश के साथ जो लोग हैं वो मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो मौके पर तैनात हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की हुई है मतदान स्थलों पर। और तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमणि शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, इसी के साथ भरत सेठी, मोहम्मद सफी, संदीप मिश्रा, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले चलते हैं चंद्रमणि शुक्ला के पास। क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है मतदान स्थलों से? एक घंटे का समय जो है वो बीत चुका है और वोटिंग मतदाताओं का जो पहुंचने का सिलसिला है उस बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है मतदान स्थलों से? जी बिल्कुल, अगर बात करें लखनऊ और लखनऊ मध्य विधानसभा में हम मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे जो तमाम लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं और लोग लगातार आए, ये लंबी लाइन आप देख सकते हैं। ये इस वजह से लगी हुई है कि जो बूथ संख्या 348 है वहाँ पर मतदान में कुछ दिक्कतें आ रही है। अभी तक ईवीएम मशीन खराब बताई जा रही है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, वजह से मतदान नहीं हो पा रहा था और जो तमाम लोग आए हुए थे वो यहाँ पे लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि ईवीएम मशीन में कुछ दिक्कतें आ रही, इस वजह से ये लाइन नहीं बढ़ पा रही। अगर हम लोग बात करें और अन्य बूथों की तो वहाँ पर वो जो मतदान है वो सकुशल हो रहा है, लोग मतदान करने आ रहे हैं और जो लोगों में जागरूकता है मतदान के प्रति वो भी नजर आ रही है। लोग व्हील चेयर से किसी भी माध्यम से बूथ तक पहुंचना चाह रहे हैं और जो इस तरह रुचि दिख रही है मतदान को लेकर उससे ये बात स्पष्ट है कि यहाँ पर लखनऊ में अच्छे मतदान की उम्मीद है। जैसे पहले देखा गया है कि लखनऊ में कम मतदान होता रहा है तो इस बार जो बूथों के नजारे हैं वहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और जब ईवीएम की मशीन खराब है उससे भी लोगों को दिक्कतें आ रही है तो दिक्कतें भी आ रही हैं और लोगों में भी जागरूकता है तो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी यहाँ पर दिक्कत का सोल्यूशन निकाला जाता है और
मतदान फिर से सुचारू रूप से सही से चालू कराए। जी, लोगों की लंबी लंबी कतारें हम देख सकते हैं मतदान स्थलों पर, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें, ईवीएम मशीन में खराबी मिली और लंबे समय तक अगर ये जो मतदान है वो बाधित रहता है, तो क्या मतदान प्रतिशत पे इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन ईवीएम मशीन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी मतदान रुका हुआ है। जी बिल्कुल, लोगों में उत्साह तौर पर दिखा और गोमती नगर जैसे इलाके में जहां पर ऐसा माना जाता है कि लोग। और इसी बीच खबर सामने आ रही है, सतीश चंद्र मिश्रा मतदान कर चुके हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सतीश चंद्र मिश्रा और बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा अपने मत का प्रयोग करते हुए मतदान स्थल से बाहर आते हुए, सीधे तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा अपने मत का प्रयोग करते हुए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वोट करके बाहर निकल रहे सतीश चंद्र मिश्रा। और इसके पहले आपने देखा था बसपा से प्रमुख मायावती भी अपने मत का प्रयोग कर चुकी हैं। कहना है उनका कि 2007 की तरह 2022 के साथ में यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उसके बाद से जो है अपना 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 बहुमूल्य वोट जो है वो देने के लिए निकले हैं। तो सतीश चंद्र मिश्रा पूरा परिवार साथ में आराम से आराम से प्लीज भाई, आराम से करिए। आप हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, भैया आप हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बात मानिए। आईडी तो लगाने दो भाई, या कह दिए तो हम लोग हट जाए, चले जाए, यही नीचे रख लीजिए सर, आप लोग थोड़ा नीचे आराम से यार, और क्या आराम से थोड़ा नीचे, हां ठीक है, आप सेट हो जाइए फिर हम अब चलो, कोई बात नहीं, हो गया। हाँ सर, सर ठीक है सर। सर आप यहाँ पहुँचे, आपने वोट किया है, कितना जरूरी है इस लोकतंत्र के पर्व में? देखिए लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र को बनाए रखना है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि हर व्यक्ति आ करके अपना मत डालने का काम करे, वोट डालने का काम करे, क्योंकि आपको ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन अंदर कि अपनी आपकी सरकार चुन सकते हैं, और उसी का मताधिकार हमारे पूरे परिवार ने आ करके अभी यहाँ पर किया। क्या कहेंगे 10 मार्च को जो नतीजे आ रहे हैं? 10 मार्च को देखिए जो तीन जगह वोट पड़ चुके हैं, तीन फेज में पड़ चुके हैं, वहां पर एक तरफा वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ा है, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ा है, और जिस तरीके से आज भी वोट आप देखेंगे शाम को 6 बजे आंकड़े लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो आज के फेस खत्म होते होते पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित हो गई, ये सबको पूरे प्रदेश को मालूम हो जाएगा, क्योंकि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बहन मायती जी ही दे सकती हैं, उन्होंने पहले दे दिखाया है, उसके बाद पिछले 10 वर्षों में लोग जितना परेशान रहे उससे परेशान होकर के एक तरफा आपकी बार बीएसपी को वोट देने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी गायब हो गई है, उन लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने गठबंधन वाले साथियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं, बौखलाहट में आपने देखा किस तरीके से मथुरा में जब उनको पता लगा कि दलित समाज के लोगों ने एक भी वोट नहीं दिया, एक तरफा वोट दिया है बहुजन समाज पार्टी, तो उनके साथ में मारपीट की है, तो ये सब दिखाता है कि उनकी बौखलाहट है, और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है, वो जान चुके हैं कि वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं, और जिस तरीके से एक तरफा आपकी वोट सर्व समाज का, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, और अपर कास्ट में खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग, ये वाली जो बेल्ट है आप जानते हैं कि खास तौर से ब्राह्मण समाज की बेल्ट यहाँ से शुरू हो जाती है, और 14% अगर उत्तर प्रदेश में 20% यहाँ पर है, और इस 20% में अब की बार जो वोट पड़ने जा रहा है वो एक तरफा ब्राह्मण समाज का बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ने जा रहा है, वो जो 100 एनकाउंटर कराए हैं इस सरकार ने ब्राह्मणों के और 500 की हत्या हुई ब्राह्मणों, उसका सबका हिसाब किताब आज पूरा हो जाएगा। थैंक यू सर, चलो चलो भैया।
सतीश चंद्र मिश्रा बसपा के महासचिव सुन बीजेपी और उसके बाद देने के बाद से अब यहां से वो घर के लिए निकल रहे हैं। कैमरामैन बिलाल के साथ संदीप मिश्रा, के न्यूज लखनऊ। सतीश चंद्र मिश्रा अपने वोट का चोट करके बाहर निकलते हुए नजर आए, इसके साथ साथ बीजेपी और सपा पर भी जमकर निशाना साधा, लोगों से बढ़ चढ़ कर वोट करने की अपील की। और लगातार तमाम संवाददाता बने हुए, भरत सेठी लखनऊ से संवाददाता बने हुए और इस तरह से मतदान स्थल का उन्होंने जायजा लिया और तमाम जो लोग पहुंचे हुए मतदान स्थल पर वोट करने के लिए उनसे भी बातचीत की। क्या कुछ जनता का कहना है, क्या कुछ जनता का मूड बना हुआ है लखनऊ में, आपको दिखाते हैं। सरोजनी नगर में लगातार लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार जो संख्या है उसका इजाफा हो रहा है। लगभग एक घंटा हो चुका है, वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है, लोग वोट डाल के निकल रहे हैं। सुरक्षा की अगर दृष्टि से बात करें तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वोट डाल के आए हैं। मैम, आप वोट डाल के आए हो भी बिना पार्टी के नाम लिए, क्या क्या मुद्दे थे, किस किस को देख के आपने किसी को वोट डाला? मैंने वोट डाला है लेकिन मन में क्या चल रहा था, कुछ किस तरीके की मन में नहीं कुछ चल रहा था, मैंने बस जो पार्टी मुझे अच्छी लगी मैंने उस पे वोट डाल दिया, जो लगा कि हाँ कि आगे चल के कुछ कर सकती है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे, जानेंगे। मैम, बिना पार्टी का नाम लिए किस तरीके के मुद्दे थे, क्या क्या चीज़ें जहन में थी जिसको देखकर आपने वोटिंग करी आज? देखिए, बहुत सारे अम्ब्रेला यहाँ पे मुद्दे हैं। अगर हम सिर्फ अपने लोकेलिटी का देखें तो सड़कें हैं, पानी है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं कि यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या है, तो एटलीस्ट जो प्रत्याशी है वो कम से कम ये यहाँ की चीज़ें समझेंगे। और दूसरा जहन में अगर एक थोड़ा सा बड़े पैमाने पे देखें तो महिला सुरक्षा है, सबसे टॉप पे महिला सुरक्षा है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मैं डेफिनेटली मेरे दिमाग में ये रहता है कि महिलाओं को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या महिलाओं के लिए कौन सी पार्टी बेहतर कर सकती है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें दिमाग में थी, उसी को सोच करके वोट दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम दिखाएंगे आपको यहाँ की जो तस्वीरें हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हैं और कोविड के नियमों का बात करें तो कोविड के प्रोटोकॉल का यहाँ पे पालन किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पे सर्किल बनाए गए हैं और जो भी एंट्री यहाँ करेगा उसके लिए यहाँ पर मास्क दिया जाएगा, वो मास्क पहनेगा, उसके बाद ही यहाँ पे एंट्री होगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन का यहाँ पे पूरा दिखाया गया कि सैनिटाइज करके ही अंदर जाएं, यहाँ पे उनका थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है, बकायदा जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा देखा जा रहा है। यहाँ पे देखिए सेल्फी पॉइंट है, जो लोग यहाँ पे वोट डालकर अंदर से आ रहे हैं बकायदा यहाँ पे सेल्फी यहाँ पे ली जा रही है, दिखा कि किस तरीके से मैंने भी वोट किया, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं, अगर बात करें अभी सुबह का समय है, अभी जो वोटिंग है उसका स्तर और धीमे धीमे बढ़ेगा, लगभग 8 बजने वाले हैं और जिस तरीके से लगातार वोटिंग हो रही है हो सकता है कि और भी जल्दी सुबह छुट्टी का दिन है और लोग पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस बार जो और इसी बीच लखनऊ से उन्नाव से तस्वीरें सामने आ रही हैं, साक्षी महाराज अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं उन्नाव से। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, साक्षी महाराज अपने मत का प्रयोग करने के लिए। यूपी में चौथे चरण की महा टक्कर ये देख रहे हैं आप के न्यूज पर, तमाम प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कुल 624 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है और साक्षी महाराज को इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और उन्नाव से ये तस्वीरें, मतदान करने पहुंचे साक्षी महाराज। उन्नाव से बीजेपी सांसद हैं साक्षी महाराज और अपने वोट की चोट करने के लिए साक्षी महाराज उन्नाव पहुंच चुके हैं। मतदान स्थल से सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं।
और चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर आज जनता तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लेने वाली है। तमाम प्रत्याशियों की किस्मत आज जनता के हाथों में है। चुनाव से तस्वीरें, साक्षी महाराज मतदान स्थल पर पहुंचे हुए हैं अपनी वोट चोट करने के लिए। बीजेपी सांसद है साक्षी महाराज। चौथे चरण में तमाम दिग्गज, तमाम बड़े चेहरे हैं जिनके बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है। 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, आखिर यूपी में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अपने वोट की चोट करते हुए। से पहले मायावती को आपने देखा लखनऊ में मतदान करने पहुंची थी मायावती। और लगातार जो जनता का मतदान स्थल पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। और इसी बीच तमाम बड़े चेहरे जो हैं, तमाम बड़े दिग्गज, उनका सिलसिला भी शुरू हो चुका है मतदान स्थल पहुंचने का, वोट देने का। और इस बीच साक्षी महाराज नाव से बीजेपी सांसद वोट करने पहुंचे हुए मतदान स्थल पर। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का चौथा चरण आज हो रहा है 23 फरवरी को। कुल 7 चरणों में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं जिनके 3 चरण पूरे हो चुके हैं और आज बारी है चौथे चरण की। एक के बाद एक जो चरण है यूपी विधानसभा चुनाव के वो पूरे होते जा रहे हैं और नतीजों का जो दिन है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। 10 मार्च की वो तारीख जब ये फैसला होगा यूपी में किसकी सरकार बनेगी, जनता ने आकर किसके पक्ष में वोट दिया है। फिलहाल साक्षी महाराज टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वोट कर बहाते हुए साक्षी महाराज बीजेपी सांसद उन्नाव से। सीधी तस्वीर देखिए, जिस जगह आप खड़े हैं उन्नाव में कभी भाजपा की एक सीट नहीं होती थी, पर आज मैं आपको कह रहा हूं कि 6 की 6 सीटें ऐतिहासिक रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा के पक्ष में जाने वाली हैं। और जहां तक पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है, मैं देख पा रहा हूं, मैंने जितना प्रचार प्रदेश में दौड़ दौड़ के किया है उसके आधार पर कह सकता हूं कि 2017 में योगी जी को जो जनादेश मिला था 2022 में अपने उस रिकॉर्ड को तोड़कर और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। और मुझे लगा है कि हो सकता है 350 तक भी आंकड़ा चला जाए। इलेक्शन में हिजाब का मामला विपक्ष लेके आ गया, ये तो कानून बना था कर्नाटक में, अब प्रत्युत्तर में लोगों ने उसे चलाया है, हम लोगों को बोलना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को सुन रहे थे आप। यूपी के रण चौथे चरण में महाकवरेज लगातार जारी है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शर्मा जी की बिटिया की शादी जब आई, शर्मा जी की बेचैनी तो साफ नजर आई। फिर सलमान भाई ने सही राह दिखाई। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील, शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाएं रिश्ते बनाएं गोल्डी मसाले। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं ही अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया तुम में भी।
ही मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, भगवंत नगर बूथ संख्या 458 में ईवीएम खराब, कुछ समय के लिए मतदान रुका, ईवीएम बदली गई। उन्नाव से खबर बता रहे हैं जहां पर ईवीएम मशीन में खराबी सामने आई है, बूथ संख्या 499, 497, 458, 252 में ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी। बूथ संख्या 458 में ईवीएम खराब, भगवंत नगर बूथ संख्या 458 में ईवीएम खराब होने की जानकारी। उन्नाव से यह खबर सामने आ रही है, कुछ समय के लिए मतदान बाधित हुआ और ईवीएम बदली गई ताकि फिर से मतदान जो है वो शुरू हो सके। उन्नाव से खबर, तमाम ये बूथ संख्या जहां पर वीवीपैट को बदला गया, 499, 497 तमाम बूथ संख्या है और बूथ संख्या 458 में ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। उन्नाव से ये खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए अरुण अवस्थी हमारे विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, उन्नाव से खबर सामने आ रही है कि ईवीएम मशीन में खराबी की जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? भगवान नगर विधानसभा में भगवान नगर एक कस्बा है जहाँ संख्या 458 में ही तो अरुण की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तमाम अपडेट्स उनसे लेंगे। फिलहाल उन्नाव से यह खबर जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है, तमाम बूथ संख्या 499, 497, 252, 458 पे वीवीपैट मशीन बदली गई है और बूथ संख्या 458 भगवंत नगर में ईवीएम मशीन खराब हुई जिसकी वजह से मतदान रुक गया, बाधित रहा और ईवीएम मशीन बदली गई जिससे मतदान फिर से शुरू हो सके। उन्नाव से यह खबर, ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है, कुछ देर के लिए बांध रुका और उसके बाद ईवीएम मशीन को बदला गया। इसके अलावा भी तमाम बूथ संख्या जहां पर वीवीपैट मशीन को बदला गया खराबी के चलते। उन्नाव से खबर, भगवान नगर बूथ संख्या पर ईवीएम मशीन खराब। यूपी में चौथे चरण का आगाज हो चुका है, लगातार वोटिंग चल रही है और अरुण अवस्थी विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ फोनलाइन पे बने हुए हैं। अरुण, नाव से खबर सामने आ रही है ईवीएम मशीन में खराबी ली है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? मतदान जो है वो बाधित रहा और ईवीएम मशीन बदलने के बाद ये जो मतदान है फिर से शुरू हुआ, कितनी देर के लिए आपको लगता है कि मतदान जो है वो बाधित रहा होगा, क्योंकि एक घंटे डेढ़ घंटे का समय बीत चुका है मतदान शुरू हुए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हमें। और उन्नाव के बाद अब बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, बूथ संख्या 50 में ईवीएम खराब। तो लगातार ईवीएम खराब होने की जो जानकारियां हैं अलग अलग जिलों से सामने आ रही है, अब तक नहीं शुरू हो सका मतदान, वोटिंग को लगभग डेढ़ घंटा बीत चुका है लेकिन बांदा में अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। बूथ संख्या 50 में उच्च अधिकारियों ने ईवीएम को बदला, 30 मिनट तक मतदान रहा प्रभावित, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है बांदा से जहां ईवीएम मशीन में खराबी मिली, बूथ संख्या 50 में ईवीएम मशीन में खराबी मिली जिससे 30 मिनट तक लगभग जो मतदान है वो प्रभावित रहा। और संवाददाता अनवर रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए। अनवर, बांदा में ये ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है बूथ संख्या 50 पे, क्या कुछ अपडेट?
देखिए बूथ संख्या 50 जो डाइट बांदा का है वहां पर 7 बजे से मतदान शुरू होना था और मतदान शुरू होने के बाद ही जैसे ही लोग मतदान करने के लिए पहुंचे तो वहां की ईवीएम खराब हो गई और ईवीएम खराब होने पर लगभग 27-28 मिनट तक ये ईवीएम सही नहीं हो सकी जिससे 30 मिनट तक चुनाव प्रभावित रहा। बाद में अधिकारियों को बुलाया गया, अधिकारियों को सूचित किया गया, तमाम हंगामा हुआ। जो मतदान करने लोग आए थे तो उन्होंने हंगामा शुरू किया और कुछ लोगों ने वहां पर शिकायत की, तब वहां पर जो ईवीएम मशीन है उसको बदला गया है और उसके बाद मतदान शुरू हुआ। जी, ये जो तमाम टेक्निकल फॉल्ट सामने आ रही है ईवीएम मशीन में जिसकी वजह से मतदान जो है वो बाधित होता है कुछ समय के लिए, क्या कुछ लगता है कि ये बड़ा कारण हो सकता है मतदान प्रतिशत जब सामने आएगा बाधा में किस तरीके से कि मतदान हुआ है तो कुछ समय के लिए भी अगर मतदान बाधित रहता है तो मतदान प्रतिशत पर इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? जी निश्चित तौर पर बिल्कुल, यहाँ पर जो मौजूदा व्यक्ति हैं उन लोगों से बात की तो बताया, वहीं पर कुछ लोग तो इस बात को लेकर भी अड़े थे कि यहाँ पर जो मतदान लेट हुआ है उसके लिए समय बढ़ाया जाए, हालांकि समझा बुझा कर वोटिंग शुरू कर दी गई है। जी मानसी जी, उन्नाव में अगर बात करें किस तरीके का माहौल बना है, तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर वोटिंग करने के लिए? तो ये बांदा से खबर हम आपको बता रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर तमाम जानकारी देने के लिए। हमें बांदा से खबर बता रहे बूथ संख्या 50 पे ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी मिली है, जिस 30 मिनट के लिए जो मतदान है वो प्रभावित रहा, लोगों ने भी जमकर हंगामा किया। और इसी बीच भरत सेठी हमारे संवाददाता, आमिर रजा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस महाकवरेज में तमाम जानकारी देने के लिए। हमें सबसे पहले चलते हैं भरत सेठी के पास, लखनऊ से मौजूद हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ कैंट विधानसभा सीट में बृजेश पाठक जो है वो चुनावी मैदान में मौजूद है, क्या लग रहा है कि किन चेहरों के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी अगर हम लखनऊ की बात करें तो? देखिए लखनऊ में तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं और आज उनका इम्तिहान है। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र पे, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो वोट डालने आ रहे हैं। बूथ संख्या 395 में इसमें मौजूद है, बुजुर्ग से लेकर जवान तक वोट डाल रहे हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े नाम है, चाहे वो बीजेपी की बात करें चाहे अभिषेक मिश्रा की बात करें, जो सभा में रहे थे, तमाम जो चेहरे ऐसे हैं जो जिनका आज इम्तिहान है। लखनऊ की बात करें अशाना से इसमें मौजूद है, मैं सोच रहा हूँ कितने कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि मेन मुद्दे क्या, किन मुद्दों को रख के उन्होंने आज वोट दिया। और सबसे बड़ी बात है, सुबह से ही मौसम जरूर ठंडा है लेकिन वोट के लिए बुजुर्ग हो चाहे वो जवान हो चाहे अन्य जो युवाओं की बात करें, वो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए और लगातार जो इजाफा है वो हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सर, उनसे बात करेंगे। सर आपने आज वोट किया है बिना पार्टी का नाम लिए, आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट किया? सर सबसे पहला मुद्दा तो विकास है, तो विकास अच्छा हो, रोड अच्छी हो, चलने फिरने में दिक्कत ना हो, गाड़ियां चले आराम से, महंगाई पर नियंत्रण हो। सबसे ज्यादा चीज महंगाई है, विद्यालयों में सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो और सुचारू रूप से चलता रहे देश, अच्छे तक तरक्की करे, अभी तक जैसे चल रहा है और अच्छा ही हो। रोड मेन रोड का है, सड़कें अच्छी होंगी, आवागमन अच्छा होगा तो हम लोग को सुविधा होगी आने जाने। देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुरक्षा के लिए दृष्टि से बात करें चाहे वो सड़कों की बात करें, तो मेन कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर वोट डाले। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप वोट दे आए क्या? जा रहे। अच्छा, किन किन मेन मुद्दे जो आपके हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट दे रहे हैं बिना पार्टी के नाम लिए? सर किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे आप? अरे मतलब लड़के वड़के जितनी है सब, और जितना पढ़ाई लिखाई की इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी है सारी चीजें, वहाँ पे लगातार लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो कोविड के नियमों की बात करें, तमाम जो कोविड के नियमों का पालन हो रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तमाम जो सुरक्षा बल है यहाँ पर तैनात है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बुजुर्ग और खासियत है, यहाँ पे जो पोलिंग बूथ पे जो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर
ये यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क पहनाया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग की बात की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, बाकायदा सारे जो नियम है वो यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं कि जिस तरह के लोग यहाँ पहुंचे, तमाम जो नियम है उसका पालन और बेहतर तरीके से यहाँ पे लोग मतदान कर सके। जी जी जी, शिव सागर सिंह भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। शिव सागर, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, डेढ़ घंटे का समय बीत चुका है वोटिंग को, क्या कुछ माहौल है, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जो राजधानी लखनऊ का बक्सी का तालाब जो विधानसभा क्षेत्र है उसी में, बक्सी का तालाब इंटर कॉलेज में बूथ बना हुआ है जहां पर हम मौजूद है। उत्साह की बात करें तो यहां पर उत्साह पूरी तरह से, क्योंकि सुबह से ही 7 बजे से ही यहां पर लगातार भीड़ जो है वो चली आ रही है, लगातार मतदाता जो है वो आते जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि दिखाएं किस प्रकार की लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। सुबह से ही मतदाता जो है पूरे जोर शोर के साथ, पूरे जोश के साथ जो है मतदान कर रहे हैं। लगातार देखिए, आप देख सकते हैं 3-4-5 लाइनें लगी हैं लगातार, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है यहाँ पे संख्या में लोग आ रहे हैं। किस प्रकार से मतदाता जो है मतदान करके चले आ रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं मतदान करके चली आ रही हैं, बात करेंगे उनसे, जानेंगे कैसा उत्साह है, किस प्रकार से वो करें। आपने मतदान किया है, बात करिए। बिल्कुल बात करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम बात करें, वैसे आपने मतदान किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत, इस वक्त जो आज देख सकते हैं भीड़ कैसी है यहाँ पर, किस प्रकार से लोग निकल रहे हैं पिछली बार की अपेक्षा? पिछली बार बहुत अच्छा है। तो क्या जो मुद्दे हैं मतदान कर रहे हैं आपने, किन मुद्दों पे किया है मतदान? मतदान किया है बस, आप तो देख ही रहे हैं सर क्या है। बिल्कुल, तो जमीनी विकास से या फिर कुछ हट के मुद्दे होंगे? बस हट के होंगे, मुद्दे हट के होंगे जी, इनका कहना है मुद्दे हट के होंगे। इस बार लोग जो है काफी संख्या में निकल कर आ रहे हैं और ठीक ठाक संख्या में इस बार जो मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि लखनऊ में ये बक्सी का तालाब थोड़ा शहर से हट के है, कस्बा है लेकिन शहर से थोड़ा सा हट के है, तो यहाँ भी लोग इस हिसाब से निकल रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मतदान प्रतिशत को इस बार बढ़ावा जरूर देगा। जी, आमिर रजा संवाददाता लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। लखीमपुर की बात करें तो चौथे चरण की एक तरह से हॉट सीटों में से है और चुनावों से पहले भी इसकी चर्चा लगातार बनी रही। लखीमपुर सीट की बात करें, 2017 में बीजेपी को एक तरह से क्लीन स्वीप मिलती नजर आई थी, यानी कि विपक्ष के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी, बीजेपी ने तमाम लखीमपुर की तमाम सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन 2022 में लखीमपुर में तमाम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जनता वोट करने वाली है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे तिकोनिया कांड रहा हो, इसको लेकर के क्या कुछ लगता है कि जो तस्वीर है 2017 वाली, क्या वो बदली नजर आएगी 2022 में, बीजेपी को नुकसान हो सकता है कुछ सीटों का? देखिए, अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में 3 अक्टूबर को जो घटना हुई थी उसके बाद जरूर ये लखीमपुर हॉट सीट कहा जा सकता है, पूरे जिले की 8 सीटें हॉट सीट कही जा सकती है, और यही वजह है कि लगातार समीक्षाएं हो रही थी कि इस बार जो मतदान करेंगे मतदाता तो उन पर उन घटनाओं का असर होगा। हम आपको बता दें, लेकिन आज चूंकि मतदान हो रहा है, प्रशासनिक तैयारियों की बात हो रही है, तमाम लोग अपने मत का प्रयोग करके बाहर आ चुके हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है बगैर पार्टी का नाम लिए, ये बताएंगे कि क्या इनके मन में था, क्या इन्होंने सोचा था, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर लगातार चर्चाएं रही हैं, चाहे वो इस घटना से पहले किसानों के गन्ना भुगतान की समस्या रही हो, चुनाव का मुद्दा वो बनी है, अब इस बार 3 अक्टूबर को जो किसानों के साथ घटना हुई है वो भी जरूर मुद्दा बनी। हम इनसे बात करते हैं, देखिए अपने मत का प्रयोग करके बाहर आए, बताइए क्या इस बार जब मत का प्रयोग आपने किया तो क्या सोच के किया है? सबसे पहले तो यहाँ पर मुद्दों पर ही वोट दिया गया है, विकास पर वोट दिया गया है, किसी पार्टी और किसी पार्टी का नाम लेके ना उम्मीदवार का कोई नाम लेके, बस ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो यहाँ पर मुद्दे हैं, किसान आंदोलन एक मामला ये रहा है, और फिर उसके बाद आपकी अगर बात की जाए तो विकास की, उसपे जो है वो आया है सामने, यहाँ पर तमाम लोग देखिए ये हमारे साथ में बुजुर्गवार है, इन्होंने कई बार अपने मत का प्रयोग किया है, इस बार क्योंकि अजीब तरीके के हालात लगातार, इस बार क्या सोच के अपने मत का प्रयोग किया है, किसी पार्टी का नाम लिया बगैर? विकास मुख्य मुद्दा है और सुरक्षा दोनों मुद्दों के ऊपर हमने वोट दिया। क्या लगता है इस बार क्या कुछ हालात कैसे रहेंगे मतदान? उम्मीद तो यही है कि हालात अच्छे होंगे। इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, इनके मन में ये है कि विकास हो। अच्छा ये बताए, किसान की जो घटना हुई थी किसान का, क्या वो मन में नहीं है क्या इस तरीके से? चुनावी मुद्दा बनेगा वो? है, वो भी है, चुनावी मुद्दा रहेगा, है, ऐसी बात नहीं है, और आशा करते हैं कि आने वाला समय जो ईटा कहना कि उनके मन में वो घटना जरूर है, लेकिन इनको ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में परिवर्तन होगा, अच्छा होगा, विकास होगा, कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो अपना मन होना चाहिए वोट करने से पहले, विकास होना चाहिए, बेहतरी होना चाहिए, वो जरूर इन मतदाताओं के मन में दिखाई दे रहा है।
जी, तो तमाम संवाददाता हमारे इस तरह से बने हुए हैं मतदान स्थलों से, पल पल की अपडेट खबर आप तक पहुंचा रहे। पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ कैंट से मौजूद है इस वक्त। लखनऊ कैंट की बात करें तो क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, लोगों में किस तरह का उत्साह, लोगों के मतदान स्थल आने का सिलसिला किस तरह से बना हुआ है लखनऊ कैंट सीट पर? जी आपको बता दें कि लखनऊ सीट पर सामने से मतदान शुरू हो गया है। संयुक्त भाटिया जो यहाँ के मेयर है, इन्होंने यहाँ पर अपना वोट डाला है। इसके बाद लगातार यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लाइनें लगी हुई हैं, मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। जी लखनऊ कैंट से बात करें, बृजेश पाठक इस वक्त इस बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे, योगी सरकार में कानून मंत्री रहे, किस चेहरे से सीधी टक्कर, या फिर लखनऊ कैंट की बात करें किन चेहरों में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है 2022 में? लखनऊ कैंट की अगर बात की जाए तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक को टिकट दिया है। यहाँ पर इससे पहले सुरेश चंद्र तिवारी चार बार विधायक रह चुके हैं, उनका टिकट काट कर इस बार बृजेश पाठक को टिकट दिया गया है। देखा जाए तो ये जो मुकाबला है बृजेश पाठक इस पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। वैसे जो सपा के राजू गांधी और बसपा के अनिल पांडे भी टक्कर में है, फिलहाल बृजेश पाठक का पलड़ा भारी दिख रहा है। जी मतदान स्थल पर आप मौजूद है, वहां पर लोगों में किस तरह का उत्साह, अगर हम यंग वोटर्स की बात करें, न्यू वोटर्स जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, उनमें किस तरह का उत्साह है अपने वोट डालने को लेकर? जब यहाँ पर जो यंग लोग जो यहाँ पर आए उनसे बात की, उनसे जब मिजाज जानना किस वजह से वोट डालने आए, जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो बेरोजगारी है, शिक्षा है और सरोजनी नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। कुछ भी होगा उसमें हार झलकता है, और प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा हम लोग बहुत अपना काम, अपना परिश्रम करते हैं और अपने ईश्वर विश्वास रखते हैं, तो उसमें हम लोग, मैं ये कहूंगा लेकिन इतना विश्वास दिला सकता हूं कि सरोजनी नगर में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी ताकत से जीत के आ रही है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जीत का चौका लगेगा, वो भी अपनी तरफ से क्लेम कर रहे हैं उस चीज को, 2014, 2017, 2019 और 2022 भी जीतेंगे उनको, उन्होंने कहा है कि परिवारवादियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कैसे देखना? अगर वो सिर्फ वही गिन रहे हैं जो जीते हैं तो मैं नहीं कह सकता। आज उत्तर प्रदेश की बात अगर आप छोड़े, वो देश की बात कर रहे हैं अगर, तो आज लगभग 5000 विधायक उत्तर हिंदुस्तान में है, जिसमें सिर्फ 1500 बीजेपी के पास है। वोट परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो आज तक की सबसे कम वोट परसेंटेज से किसी ने अगर हिंदुस्तान में सरकार बनाई है तो 2014 की बनी थी, और उसके बाद सेकंड लोवेस्ट वोट परसेंटेज से किसी ने सरकार बनाई है तो वो 2019 की बनी थी। तो जनता कितना, 70% आदमी लगभग 2019 में भी इस सरकार के, जो जब आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ वोट पड़ा इस देश में। फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम तो जीत गए, वो एक अलग बात। उसको अगर उनको बंगाल नहीं याद आ रहा है तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से याद आ जाए, अगर उनको दिल्ली नहीं याद आ रहा है तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से याद आ जाए, और मैं ये भी चाहूंगा कि कुछ दिन रुक जाइए, उत्तर प्रदेश भी इसी लिस्ट में जुड़ेगा, जो कि उनको याद रहेगा कि यहाँ चौका छक्के का नंबर ही नहीं, बीच में बहुत सारे क्लीन बोर्ड हो चुके हैं। डेवलपमेंट हुई कल रात, रीता बहुगुणा जोशी जो बीजेपी की एमपी है, उनके बेटे अखिलेश यादव से मिले। जी कुकिंग प्रोफेसर, इट्स नॉट द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट्स कुकिंग, द क्वेश्चन इज व्हाट्स नॉट कुकिंग। भारतीय जनता पार्टी में अगर लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा, इज्जत नहीं मिली, जिन लोगों ने पार्टी के लिए किया, मेहनत की, आप बताओ एक व्यक्ति, चलिए ईश्वर को वो हो गया, स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह साहब क्या वो गवर्नर थे, उनका बेटा क्या सांसद था, उनका पोता कैबिनेट मंत्री था उत्तर प्रदेश का, या इंडिपेंडेंट चार्ज मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, ये क्या परिवार राजनीति दिखाई पड़ा? डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर का बेटा नहीं दिखाई पड़ा, गोंडा में विधायक और सांसद की जोड़ी नहीं दिखाई पड़ी, और उसके बाद ये आपसे सवाल पूछते हैं। तो मैं ये तो कहने वाली बात है ना कि हमारे आप देखेंगे समाजवादी पार्टी में, अगर जो फाउंडर का फैमिली है, बाकी तो पार्टी सबकी होती है लेकिन जो फाउंडिंग फैमिली, कोई ना कोई तो कुछ भी शुरू करता ही करता है, तो उसमें से अगर आज कोई एक आदमी लड़ रहा है तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव लड़े, बाकी दूसरा कोई नहीं लड़ा परिवार का। तो परिवार, तो सरोजनी नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी को सुन रहे थे आप, और तमाम जो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मतदान स्थलों पर मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हमें। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।